हाय फ्रेंड्स, अगर आपके पास रियलमी फ़ोन है तो इसमें कुछ ख़ास फीचर्स होते हैं, आज उसी के विषय में हम जानेंगे। उसके लिए चलिए हम चलते हैं अपने रियलमी स्क्रीन पे। सबसे पहले सेटिंग करने के रियलमी की सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद डुअल सिम एंड मोबाइल नेटवर्क पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि दोनों सिम शो कर रहा है। अब आपको कॉल जिस भी सिम से करना है, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको सिम वन से कॉल करना है या सिम टू से। या फिर ऑलवेज आस्क कर देंगे तो आप जब भी कॉल करेंगे तो ये आप हमेशा पूछेगा। ओके, अब ये इंटरनेट, आप इंटरनेट सिम वन से चलाना चाहते हैं या सिम टू से, इसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये डाटा सेविंग मोड है, यहाँ से आप डाटा को डाटा सेविंग मोड ऑन करके डाटा को सेव कर सकते हैं। और ये नोटिफिकेशन और स्टेटस पर, ये मैनेज नोटिफिकेशन में आप जाकर अपने ऐप्स को ऑफ कर देंगे तो उसका नोटिफिकेशन शो नहीं होगा। और यहाँ से आप बैटरी परसेंटेज को ऑन कर सकते हैं, जैसे कि आपकी बैटरी कितना चार्ज है, कितना डिस्चार्ज, यहाँ से आप शो कर सकते हैं। शो रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, यहाँ से आप अपने इंटरनेट की स्पीड को ऑन कर सकते हैं। स्वाइप डाउन ऑन लॉक स्क्रीन, इसको आप ऑन करके आप लॉक स्क्रीन पर, लॉक स्क्रीन पे नीचे स्वाइप करेंगे तो नोटिफिकेशन ड्रावर ऑन हो जाएगा। ये सारी सेटिंग है। और एक में नोटिफिकेशन डॉट फॉर अपडेट, जो भी एप्स आपका अपडेट के लिए रहेगा उस पर हल्का सा डॉट हो जाएगा, इस सेटिंग को ऑन कर लीजिएगा। डिस्प्ले और ब्राइटनेस, इसमें यहाँ से आप ब्राइटनेस को बढ़ा और कम और ज़्यादा कर सकते हैं। या तो ब्राइटनेस का ऑप्शन है, ये अपने हिसाब से ब्राइटनेस को एडजस्ट कर लेगा। ये आपका कूल और वार्म का है, ये आप जितना कर देंगे। ये ऑटो रोटेट स्क्रीन का, आपका ऑटो रोटेट हो जाएगा इसके लिए। ये आपकी स्क्रीन कितने सेकेंड में आने, जैसे कि आप चाहते हैं कि एक मिनट में आने हो तो एक मिनट भी कर सकते हैं, मैं तो 15 सेकेंड का ही लगा के रखा हूँ। आपके फंड का साइज़ है, आप बड़ा छोटा जो भी चाहे फंड कर सकते हैं। तो मैंने तो कॉमिक बुक हेलो अप्लाई कर रखा है, तो अपने हिसाब से अप्लाई कर लीजिए। ये वॉलपेपर आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, थीम अप्लाई कर सकते हैं। ये फंड साइज़ है आपका, फंड आपका बड़ा छोटा जैसा चाहे आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। फिलहाल मैंने तो डिफ़ॉल्ट किए कर रखा है। डिस्प्ले साइज़ में आप अपने डिस्प्ले की साइज़ पे जो मैसेज आता है उसको आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। फिलहाल मैं मीडियम रहने देता हूँ। होम स्क्रीन, देन लॉक स्क्रीन, मैगजीन, यहाँ से आप अपने होम स्क्रीन की मूड चेंज कर सकते हैं, लेआउट चेंज कर सकते हैं, आइकन ऑटो फिल, थीम वॉलपेपर, सारी चीज़ें कर सकते हैं। आपका साउंड एंड वाइब्रेशन, यहाँ से आप अपने मोबाइल का साउंड बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ये रिंगर वॉल्यूम है, घटा सकते हैं। ये अलार्म वॉल्यूम है, इसको भी आप घटा कर सकते हैं, अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। ये वोडाफोन रिंगटोन, जैसे कि आपके सिम पे फ़ोन आए तो कौन सा रिंग हो, या फिर दूसरे सिम पे आए तो कौन सा रिंग हो, उस हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। ये आपका फिंगरप्रिंट एंड फेस पासवर्ड, यहाँ से आप लॉक स्क्रीन लगा सकते हैं। ये प्राइवेसी पासवर्ड है, यहाँ से आप अपने ऐप्स पे लगा सकते हैं। ये ब्लॉक, ये आप जिस भी ऐप्स को चाहे यहाँ से लॉक कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से देखिए मैं सब ऑफ कर रहा हूँ। यहाँ से आप चाहे तो ऑन करके अपने जो भी ऐप्स को चाहे लॉक कर सकते हैं, आपके ऊपर है। हो गया टर्न ऑफ पासवर्ड, इसे टर्न ऑफ कर दे रहा हूँ।
बाकी आप चाहें तो यहाँ से ऑन कर सकते हैं, प्राइवेसी पासवर्ड में जाके जो भी एप्स लगाना है लगा सकते हैं। स्मार्ट सर्विस में जाके आप स्मार्ट ड्राइविंग, अगर आप ड्राइविंग मोड में डाल देंगे तो आपके कोई भी इनकमिंग कॉल को आप अपने हिसाब से ब्लूटूथ से कनेक्ट करवा के बात कर सकते हैं। स्मार्ट ड्राइविंग का ऑप्शन है ये कन्वेंस टूल, इसको देख लेते हैं। नेविगेशन बटन पे ये आपका चाहे तो ये वर्चुअल की को यहाँ पे करके ये गायब हो जाएगा, ये चाहे तो यहाँ से वर्चुअल की लगा सकते हैं। उसके बाद ये असिस्टिव बाल है, इसको आप लगा देंगे तो यहाँ से ये आपका असिस्टिव बाल आ जाएगा। इसके आप दो बार क्लिक करेंगे तो आपका स्क्रीन ऑफ हो जाएगा। आपका कोई एप्स को बैक करना हो तो इस पर क्लिक करेंगे तो बैक हो जाएगा। आप यहाँ से ऑन ऑफ करके सेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं। और गेस्चर एंड मोशन, ये स्क्रीन ऑफ गेस्चर है, जैसे कि डबल टैप ऑफ टर्न स्क्रीन, इसको ऑन करने से आप स्क्रीन को दो बार टैप करेंगे तो आपकी स्क्रीन ऑन हो जाएगी, दो बार टैप करेंगे तो स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। और ये ड्रॉ लेवल इनेबल कैमरा, अगर आपकी स्क्रीन ऑफ रहेगी और आप उस पर ओ ड्रा कर देंगे तो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से ड्रा ए वी टू टर्न ऑन फ्लैश लाइट, अगर आप स्क्रीन ऑफ रहेगी आप वी कर देंगे, वी ड्रा कर देंगे तो आपका फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगा। स्क्रीन ऑफ के सर और भी सारी सेटिंग है, अगर आप यू ड्रा कर देंगे तो आपका ये देख सकते हैं, आप सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, अनलॉक कॉल स्टार्ट और ऐप क्या ड्रा करेंगे, क्या सेट करना है। जैसे कि अगर आप ड्रा एम करते हैं, अगर आप एम स्क्रीन ऑफ रहेगा, अगर आप एम अप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो, अनलॉक हो जाए मोबाइल, या कॉल हो जाए, या स्टार्ट ऑन एप हो जाए, आप सेट कर सकते हैं। काफ़ी है, सब फीचर्स है ये। और वेज टू टर्न ऑन स्क्रीन, ये भी आप ऑफ करके देख सकते हैं। थ्री फिंगर स्क्रीन शॉट्स की, स्क्रीन शॉट्स के लिए अगर आपको स्क्रीन शॉट लेना है, इसको ऑन कर देंगे तो ये थ्री फिंगर करेंगे तो आपका स्क्रीन शॉट रहेगा, ये देखिए। इसके बाद हम चलते हैं अगली सेटिंग पे, बैटरी। यहाँ से आप अपने बैटरी का बैक शो इसको ऑन करके इस सेटिंग को आप बैटरी का परसेंटेज लगा सकते हैं। और ये अबाउट फ़ोन में जाके आप डिवाइस का नाम, GB, प्रोसेसर वगैरह चेक कर सकते हैं। और एप क्लोनर, एप क्लोन में जाके आप जो भी एप से आप शो होगा यहाँ से ऑन करके आप उस ऐप का क्लोन कर सकते हैं, एक ही मोबाइल में एक ही ऐप्स को दो नंबर से रजिस्टर करके यूज़ कर सकते हैं, या यूँ कहें कि आप अपने ऐप का क्लोन कर सकते हैं। स्प्लिट स्क्रीन, यहाँ से इस फीचर्स को ऑन करने के बाद आप अपने मोबाइल फ़ोन को, मान लीजिए कि आप व्हाट्सएप खोले हुए हैं, तो आप यहाँ पे यूँ करके आपका स्प्लिट स्क्रीन आप दोनों यूज़ कर सकते हैं एक साथ में, इसको स्प्लिट स्क्रीन कहते हैं। और ये जैसा देखिए कि ऐप क्लोन कर, मैंने व्हाट्सएप का ऐप क्लोन किया हुआ है, देखिए एक व्हाट्सएप ये है और एक ये है, मैं कि मोबाइल फ़ोन में तो व्हाट्सएप चला रहा हूँ, ये ऐप क्लोन के जरिए ही पॉसिबल है, क्लोन स्प्लिट स्क्रीन। ये गेम स्पेस है, आप कोई भी गेम इंस्टॉल करते हैं तो आपका इसी में गेम स्पेस को ऑन कर देंगे तो आपका गेम इसी में, वो गेम आपका इसी में इंस्टॉल होगा। आपका ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ ऑन करके कुछ भी शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।